आपकी है ये। शिया की है ये, तो शिया की छोटी वाली ले ले, मेरे को बड़ी वाली ले। और मुझे ये नहीं पता कि मैंने आलू की सब्जी में नमक डाला कि नहीं। बच्चे तुम बताना ठीक है, बताएंगे ये सारे बताएंगे। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है नवरात्रि की सप्तमी तिथि। तो सप्तमी के दिन हमारा फास्ट होता है, जैसे मैं तो फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ और मम्मी पूरे साथ रखते हैं, क्योंकि हम अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं। तो आज सप्तमी का दिन है, तो आज हमारा पूरे दिन फास्ट था और पूरे दिन तो मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि मैं सुबह ही मतलब उठ के रेडी होके पूजा वगैरह करके फिर मैं कोचिंग वगैरह चली गई थी। तो कोचिंग गई, फिर वहां से आई, फिर ट्यूशन, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैं ये व्लॉग करने का टाइम मिला है, तो अब मैं व्लॉग कर रही हूँ और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम लोग क्या खाते हैं नवरात्रि में। तो ये है व्रत के चावल। तो इन चावलों को मतलब स्पेशल अगर हम शॉप में बोल देंगे व्रत के चावल, तो ये मिल जाएंगे। तो ये व्रत के चावल है और ये हमने हरी मिर्च, आलू और ये धनिया काट के रख दिया है और ये यहाँ पे हो गया है ऑयल रेडी ये चावल को। और चावल को वॉश करने के बाद फिर हम मतलब हम ऐसे बना रहे हैं क्योंकि अब ये कि लास्ट दिन है और चावल इतना सारा लेके आए, चावल को खाना ही नहीं हुआ। वैसे नॉर्मल चावल तो नहीं खाते हैं फास्ट में, बट वो वाला चावल लेके आए थे हम, तो उसे मतलब ऐसा खाना हुआ ही नहीं। तो फिर आज लास्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं उसका मतलब फ्लावर टाइप का बना रहे हैं और कुट्टू के आटे की हम पकौड़ी बना रहे हैं। तो वो मैं आप लोगों को तब दिखाऊंगी, पहले हम दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं पुलाव। सिंपल बनाना है बिल्कुल, क्योंकि नवरात्रि में लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना सिंपल। और हल्दी भी नहीं डालते हम, तो हल्दी भी नहीं डालनी, हरी मिर्च और तेल भी सरसों का तेल यूज नहीं करते हैं, रिफाइंड ऑयल। और उसमें थोड़ा सा वो डाल देंगे मिर्च, हरी मिर्च, नमक और बस उसको मिला देंगे आलू पका के थोड़ा सा, और फिर वैसे बनता है। तो वो पुलाव की रेसिपी तो आप लोगों को बता दी थी, तो वो हमने जैसे बना दिया है उसे, तो वो अभी पक रहा है। तो उसके पकने के टाइम पे हमने उसे तो रख दिया पकाने के लिए, और अब हम बना रहे हैं कुट्टू के आटे की पकौड़ी। वैसे उसकी पूरी बनती है, हम नॉर्मली पूरी बनाते हैं, पर आज हम पकौड़ी बना रहे हैं कुट्टू के आटे की। तो कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना रहे हैं मैं और मेरा भाई। क्यों हम दोनों इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी को है सिलाई का काम, हमें कल जाना है अपनी नानी जी के घर, तो मम्मी को सिलाई का काम, जो मम्मी का पेंडिंग था, तो मम्मी अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं और हम दोनों बना रहे हैं कुट्टू के आटे की पूरी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बनती है कुट्टू के आटे की पूरी, या नहीं पकौड़ी, पूरी भूल गई, पूरी तो हम वैसे नॉर्मली बनाते हैं, पर आज हम बना रहे हैं पकौड़ी। आलू थे इसमें, ये कुट्टू का आटा मिक्स कर रहे हैं हम, फिर इसमें हमने हरी मिर्च और धनिया डाल दिया है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें कुट्टू के आटे की पकौड़ी। ये देखिए इसका बैटर ऐसा बना है, ये बैटर है इसका, और ये डालती हूँ मैं इसमें। गाइस, हमारा खाना हो चुका है रेडी और भगवान जी को भी हमने चढ़ा दिया है खाना। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जैसे हम मैंने आप लोगों को वो रेसिपी बताई ना कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने की, और ऐसे ही हमने पहले जो पुलाव टाइप का बनाया था, तो वो पुलाव बनाया और उसके बाद ना थोड़े आलू बचे हुए थे, उबले हुए आलू। तो हमने सोचा इसका आलू का क्या ही करें, कल तो मतलब अलग ही बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, उसकी सब्जी बना दी, और सब्जी बिल्कुल सिंपल, उसमें हमने बस वही डाला था जैसे धनिया और हरी मिर्च उसमें डाली थी ना पुलाव में, तो हमने वो वही डाली उस पर और आलू डाल दिए और वही रिफाइंड ऑयल यूज़ करा। तो आलू की सब्जी बनाई है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये वाली आलू की सब्जी है, और ये हमारे राइस, और ये कुट्टू के आटे की पूरी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मतलब देखने में ऐसी लग रही है इतनी काली काली सी, बट ये उसके बिल्कुल भी लुक पे मत जाना, होती है बहुत टेस्ट, इतना मजा आता है ना, इतनी कुड़ुम कुड़ुम, इतनी यम्मी होती है ना। आप लोग भी कभी ट्राई करना इसको, अब हम खाते हैं।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने जैसे मैंने प्रसाद बनाया और हमने प्रसाद खाया और हम सो गए थे, तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। आज हमारे यहाँ है दुर्गा अष्टमी की पूजा, कन्या पूजन होता है, और आपको सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसमें बन रहे हैं चने। तो अब मैं करती हूँ उसकी तैयारी, और आज मैंने सोचा है कि मैं अपने आप बनाऊँगी सारा, जितना भी भोजन बनाया जाएगा माता रानी का वो मैं अपने आप बनाऊँगी। और आप इस सीटी की आवाज़ को इग्नोर कर देना प्लीज़। झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं खाने बनाने की ओर। और चने तो मैंने चढ़ा दिए हैं, अब आटा गूंथती हूँ और फटाफट हलवा वगैरह बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस मैं बना रही हूँ चने, तो मतलब मैंने सूखे चने और वैसे तरी वाले चने सोच रही हूँ बनाने के लिए। तो सूखे चने के साथ बच्चों के लिए मैं बना दूंगी आलू की सब्जी। तो मैं चने बनाती हूँ फटाफट, ओपन करके रख दिए मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं डालना, लहसुन प्याज डालना नहीं है। ये टमाटर और सूखी मिर्च और ये हींग और ये है जीरा, और ये आटा गूंथ के रख दिया है मैंने, और ये मसाला। इसमें बच्चों के लिए थोड़ा ही, मतलब बच्चे मिर्च कम खाते हैं इसलिए मिर्च कम रखी है। तो अब बनाती हूँ मैं, ये कढ़ाई हो चुकी है गरम, तेल डालती हूँ। गाइस सारा खाना हो चुका है रेडी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है आलू की सब्जी, आलू है इसमें दिख नहीं रहे हैं अभी, और ये है हलवा जो मैंने बनाया आज सारी डिश, और ये है चने सूखे चने, और ये है पूरी। तो ये सब बना के रेडी कर दिया है मैंने। ये लड़ाई किसकी है? ये तो मेरी है ना, ये मैम की है, ये मैम की है, नहीं है, मैम की है। मैम को दे दो, ले लो मैं, थैंक यू, ले लो, रोगे तो नहीं आप, लो लो आपकी है ये, कुछ हो गई, आई मेरी है, शिया की है ये, तो शिया की छोटी वाली ले ले, इसमें को बड़ी वाली, इसमें कम है ना, तो खा नहीं पाएगी। सारा खा लेगी तू, बहुत घर में गई थी तू, तो जब खाया क्यों नहीं? खाऊंगी, खाओगे, पक्का खाओगे। हमारी माताएं, ये कौन है? ये लड़का है, लड़के के पैर थोड़ी धोते हैं। आप लड़का हो क्या लड़की हो? लड़का हो आप? लड़की है, लड़का है। चलो अब इन सबके पैर धोते हैं, और ये देखिए इनके चप्पलें, ये हमने पैर धो दिए। आप पैर धोते हो अपने? हैं? नहीं धोते हो, गंदे हो आप, गंदे हो गए अच्छे बड़े बेटा, हैं? जाओ अब उधर खड़े हो जाओ, आओ आओ, नहीं धोते हो, धोते हो, जाओ उधर खड़े जाओ। अक्षरा आई थी सबसे पहले, देखो अक्षरा ने मेरी बात सुनी, और तुम लेट। नो मैम, हमको सबसे पहले बुलाया, मैं पहले बोला था, मैं तो यहाँ गई थी, मेरी क्लास के बच्चे के घर। अच्छा, मैं हमको तो खींच, चलो तुम आ तो गए कम से कम। अंजना और कहीं भी नहीं गए?
अच्छी है। गंदी वर्गी है। गंदी वर्गी या बोले मैं भी गंदी हूँ। चलो। हाँ। इनसे बताएगा तो वर्गी का गंदी है क्या? गंदी। बताओ अब आपके भाई ने बोल दिया वर्गी का देखो आपको गंदा। अब क्या होगा? एक गंदे है तो तुम्हें। इनसे क्यों बताई होगी मैं जाके? सही हुई? ये है गिफ्ट, ये मैं लाई हूँ ये हेयर बैंड और ये अपने हिसाब से जो देना है इसको ये मिलेगा और ये भी अपने हिसाब से। तो तुम कौन सा वाला है ये किसको कौन सा ग्रीन ग्रीन चाहिए आपको? मुझे ग्रीन चाहिए। कौन सा चाहिए? मीठी डार्क वाला की लाइट वाला? दीदी क्या बात है अभी ये हेयर बैंड ये मैं सोच रही थी प्लेट लेके आऊंगी फिर मैंने कहा यार प्लेट में इतने खुश नहीं इतने हेयर बैंड होंगे क्या डालना चाहिए था बताओ हेयर बैंड ना ये सही है उसके तो मजे आ गए उसके बाल समझ आएंगे आप आ रहे ना बालों में आ रहा है मीठी आपको कौन सा चाहिए ग्रीन कौन सा होता है ग्रीन आप बताओगे मुझे कौन सा होता है ग्रीन कौन सा चाहिए आपको ये ग्रीन है ये तो ब्लू है ये वाली चाहिए ओके लो किना दो विटामिन सर आप क्या कर रहे हैं खड़े हो गए वनी धनी इंसान वनी बांटेंगे ये बंदी जो है इसके बाल में तो रुक ही नहीं रहे ठीक है बाल बड़े हो बहुत बड़े हो जाएगी हैं मैं क्या बांटूंगा मैं परेशान ही दे दूंगा अबे यार तो पहले बताता ना क्या ओ मैं पत्थर बाढ़ दूंगा खाली तो बाद में ले लेंगे नारियल लेके इसका हेलमेट ले लेंगे अच्छा नहीं आ ले आगे पैर आगे करो अरे लकी सर आज मैंने बहुत सारी चीजें बनाई है अभी देखना अच्छा और मुझे ये नहीं पता कि मैंने आलू की सब्जी में नमक डाला कि बच्चे तुम बताना ठीक है ये सारे बताएंगे आलू अलग बना रखी क्या नमक नमक बहुत कम है इसमें ले गया नमक अरे मुझे चखाओ चख के देखो एक बार ढंग से उसे उसे थोड़ा थोड़ा डालो अरे मुझे चखाओ ना अरे नहीं है इन्हें पता चलेगा ले आपने रखी नहीं आप भूल गए पचास अभी थे ही नहीं पाँच डाल दू हाँ लक्की भी डाल पहले एक एक डाल सबको जो चाहिए होंगे तो और खा लो कि ना लो मीठी तो खा लेगी दो पूरी है नहीं मीठी पहले एक एक डालो जो दो अपने आप मांग रहे हैं उनको तो डाल दो कोई नहीं ओहो रिया के हाथ बहुत छोटे छोटे हो गए है रिया कौन कौन खा रहा तो दो एक बार दे दो सबको और ये हमारे कर्मी भाई और जिसको चाहिए होगा वो मुझे बताएगा ठीक इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया क्यों हंस रही है क्या हो गया रिया इसको पता नहीं क्या हो गया रिया बंद हो गया हंसे बहुत हंसी आ रही भाई इसको क्यों हंसी आ रही है आपको ये कोई नहीं हंस रहे ये देखो ये बहुत अच्छे से खा रहे हैं ये दोनों और ये हमारे लांगुर जी पूरी किसे चाहिए सबसे लेट ये सबसे लेट लतीफ है ना काव्या आप इतनी लेट क्यों आते हो तो गाइस अब हमारी हो रही है पेट पूजा ये देखिए ये है मेरा खाना और ये सब खा रहे हैं खाना ये ये तो कुछ ज्यादा बिजी हो रहा खाना देख भी नहीं रहा तो गाइस अब मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद
गाइस हो चुके हैं हम रेडी और हम चलते हैं। एक गाड़ी आ गई, भैया हमें छोड़ के आएंगे और मैं विदांशु जाएंगे स्कूटी में और ये लोग जाएंगे बस में। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब मिलता है आप लोगों से वहीं और नए नए लोगों के साथ, नए नए चेहरों के साथ। जी हमारी मायजू बार्गेनिंग करके आए हैं, 100 रुपए का सामान 20 रुपए का लेके इतनी बार्गेनिंग करते। मामा बोलते हैं कि ये 100 रुपए का सामान 20 रुपए में लेके आते हैं, तो इनका उनकी बार्गेनिंग का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। पता ही नहीं चला आपका बात। अरे आ तो गई हूँ मैं, खुश रहो खुश रहो। गाइज ये एक्टर है, एक्टर एक्टिंग कर रहा, अभी तो आया था, दोबारा दिखा रहा है व्लॉग में दिखाने के लिए। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत स्पेशल होगा क्योंकि एक और फेस्टिवल है, उसके बारे में आप लोगों को उसी दिन बताऊंगी। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।